हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एम सिक्यू में देखिए आज की इस वीडियो में जो मोहला क्लिनिक का दिल्ली में जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है आंसर की आ गया है सिक्सटीन ऑफ मे को ये एग्ज़ाम हुआ था इसकी आंसर की आ गई है तो इसको हम डिस्कस करेंगे और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बेलाइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशनस आप लोगों को मिल सके और देखिए इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन है जो आपने चैनल पे सो चैनल पे किए हुए थे वहीं से आए हैं तो अगर आप लोगों ने चैनल के वीडियोस देखे हैं ठीक है आ, तो आपको रैपिड रिवीजन के वीडियो दो हज़ार एम का वीडियो मैंने डाला हुआ है तो ठीक है आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको वहाँ से देखने को मिले हैं इसमें ठीक है देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन uh, है आपका ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट मैलिग्नेंट कंडीशन और नियोप्लाज्म आर कोल्ड एज ठीक है जो मैलिग्नेंट कंडीशन या नियोप्लाज्म मतलब जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं देखिए साइटोटॉक्सिक ड्रग एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग एंटी कैंसर ड्रग या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन देखिए ये साइटोटॉक्सिक ड्रग भी बोलते हैं इनको एंटी नियोप्लास्टिक भी एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ठीक है ऑप्शन डी इसमें जो ये ग्रीन में दिया हुआ ना वो राइट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ठीक है तो सारे के ऑप्शन सही हैं क्योंकि जो एंटी कैंसर ड्रग होती है उनको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं और साइटोटॉक्सिक ड्रग भी बोलते हैं ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है डेफिनेशन हेल्थ इज द कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट जस्ट एनी absence ऑफ डिजीज़ और infirmity इज़ गिवन बाय जो हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी है तो ये किसके द्वारा दी गई है देखिए ऑप्शन है इंडियन फूड एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यू एस एफ डी ए इंडियन फार्माकोपिया तो इसका ये ऑप्शन जो है टू राइट हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ जो है उसकी डेफिनेशन है ये ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड एलिमेंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम ठीक है इनमें से कौन सा जो फूड एलिमेंट है जो मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम प्रोवाइड करता है प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट या शुगर तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन जो है बी फैट दिया हुआ है देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मैं इनके आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ के आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा फिर उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट ग्लिसरीन इज यूज इन द आई प्राइमेरली देखिए टू कॉन्स्ट्रिक्ट द आई टू डायलेट द आई टू क्लियर द कॉर्नियल हेज या एज अ कॉन्टैक्ट लेंस इसका इन्होंने आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ टू क्लियर द कॉर्नियल हेज ओके ऑप्शन सी नेक्स्ट द कंडीशन ऑफ एब नॉर्मल इंक्रीज ऑफ आर बी सी इन ब्लड इज डायग्नोज एज द कंडीशन ऑफ एब नॉर्मल इंक्रीज ऑफ आर बी सी इन ब्लड

Mouthwash are also popularly known as alcoholic solutions oral cleansers liquid dentifrices, a mouth solution answer the option c liquid dentrifices We both a mouth washes Question next uh, one of the simplest and fastest tests used to evaluate heart function is PET scan, electrocardiogram, MRI scan, total blood profile. Answer the option B electrocardiogram. क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसमें विच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पोजेज द लीस्ट रीजनरेटिव पावर लीवर सेल्स मसल सेल्स ब्रेन सेल्स या बोन सेल्स आंसर इसका ऑप्शन सी ब्रेन सेल्स दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इरिस्पेक्टिव ऑफ एज नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपसे पूछा है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन वन ट्वेंटी बाय नाइन एम एम एच जी वन फोर्टी नाइन बाई नाइन्टी एम एम एच जी नाइन्टी है ओके वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी वन फोर्टी बाय हंड्रेड तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सिंपल है वन ट्वेंटी बाई एटी एम एच जी पढ़ते हैं आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज जेल स्ट्रेंथ एंड विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन आर एक्सप्रेस एज स्टिफनेस फैक्टर पटिशियन कॉफिशेंट ब्लूम स्ट्रेंथ पी एच एंड पी के ए वैल्यू आंसर इसका ऑप्शन सी ब्लूम स्ट्रेंथ क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसमें नेम ऑफ द रिएजेंट यूज इन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है अमोनिया एसिटिक एसिड एन या के या सिट्रिक एसिड तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें नोटिसिएबल करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न देखिए बांट स्किन वेरी लिटिल और नो पेन बंट स्किन पेन ब्लिस्टर्स एंड पेन या रेडनेस कपल्ड विद पेन तो इसमें ऑप्शन ए हो दिया हुआ है बर्ट स्किन वेरी लिटिल और नो पेन क्वेश्चन फोर्टीन है आइडेंटिफाई द करेक्ट वन दैट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर टू फोल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन इन टू इट्स थ्री डी स्ट्रक्चर्स हिस्टोन प्रोटीन एम आर एन ए ग्लूकोज या अमिनो एसिड सीक्वेंस आंसर दिया वो ऑप्शन डी एमिनो एसिड सीक्वेंस क्वेश्चन फिफ्टीन है इसमें कैस्ट्रॉयल इन ले ने लैकर्स प्रपरेशन इज यूज एज ए करियर प्लास्टिसाइज़र बोथ प्लास्टिसाइजर एंड करियर सोलवेंट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ इसमें है इसमें कैरियर क्वेश्चन है सिक्सटीन नंबर विच टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल प्रपरेशन टाइप वन बोरोसिलिकेट टाइप टू बोरोसिलिकेट टाइप थ्री बोरोसिलिकेट या होल आंसर इसका दिए ऑप्शन सी टाइप थ्री बोरोसिलिकेट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स वर एक्सप्लेन इन शेड्यूल ई शेड्यूल एक्स शेड्यूल डब्ल्यू शेड्यूल वाई तो जेनरिक नेम्स वाला इसके लिए ऑप्शन सी आपका शेड्यूल डब्ल्यू आप लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एन आईसो टोनिक सोल्यूशन हैज द सेम देखिए फलूड प्रेशर एज ब्लड स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड ओस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड पी एच वैल्यू एज ब्लड आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑसमोटिक प्रेशर एज ब्लड क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाटर सर्कुलेशन मिनरल ट्रांसपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन ऑप्शन सी हो जाएगा स्टोरेज ऑफ फूड क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन बी वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल आईडी रूट इंट्रामस्कुलर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंट्रा मस्कुलर रूट से दे इंट्रा सॉरी इंट्रा डर्मल है ये ओके इंट्रा डर्मल या इंट्रा क्यूटेनियस भी बोल देते हैं इसको क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑल्सो एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट टोकोफेरोल बायोटीन नायासिनाफोलेट तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो एज ए एंटी ऑक्सीडेंट भी काम करता है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा टोकोफेरोल विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल मैंने आपको बता भी, बता भी रखा e, e, है ई विटामिन ई टोकोफेरोल और एंटी हम लोग याद करते हैं विटामिनस का वीडियो है उसमें सारे विटामिन के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको डिस्पेंसिंग तो ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन एबसेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग सिस्टम ओके देखिए फ्लोर स्टोक सिस्टम यूनिट डोज सिस्टम कॉम्बिनेशन सिस्टम या इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आंसर इज ऑप्शन डी इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम क्वेश्चन नेक्स्ट है सबस्टांस दैट किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज ठीक है ये सबस्टांस है क्या करते हैं या तो किल करते हैं या इनिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेजम तो इनको क्या बोलेंगे एंथलमेंटिक्स एस्टिजेंट्स एंटीटासिस या एंटीसेप्टिक्स ठीक है तो इनको बोलते हैं आपका इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है एंटीसेप्टिक्स ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका द बॉडी पार्ट इन विच एंडो रेस्पिरेटरी ड्रग आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू देखिए आई थ्रू

इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग प्रेफ़र करेंगे देखिए बेंजाइल पेनिसिलिन है ऑप्शन में क्लोरम फेनिकोल कोटराइमोक्साजोल जेंटामाइसिन अभी चार ऑप्शन आप बताइए सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग को प्रेफर करेंगे देखिए इसमें दिया हुआ है कोटराइमोक्साजोल जो है आपका ऑप्शन सी कोटराइमोक्साजोल को प्रेफर करेंगे ठीक है इसमें क्या होता है कोटराइमोक्साजोल में सल्फा मिथोक्साजोल प्लस ट्राईमिथोप्रीम का कॉम्बिनेशन होता है और ये रेशो होता है फाइव रेशो वन में होते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड इन कैलामाइन लोशन वुड बी ठीक है कैलामा लोशन के अंदर जो जिंक ऑक्साइड होता है कितना होता है देखिए नाइन्टी नाइन परसेंट हंड्रेड परसेंट नाइन्टी सिक्स परसेंट नाइन्टी एट परसेंट तो इसका आंसर दिया हुआ इन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है नाइन्टी एट परसेंट होता है ये ओके क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है स्पूरियस ड्रग्स आर देखिए स्पूरियस ड्रग्स इमिटेशन सब्सिट्यूशन रिजेंबलेंस ड्रग या ऑल ऑफ द मेंशनड ऑप्शन तो सारे सही हैं स्पूरियस ड्रग्स जो होती हैं इमिटेशंस होती हैं सब्सिट्यूट्स होती हैं रिजैम्बलेंस ड्रग्स होती हैं ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है मैकेानिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीविनोम रिलेट्स टू देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनिबिशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स मेटाबोलिक कन्वर्जनस ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन तो इसका होगा होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ठीक है एंटीविनोम ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनिबिशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और मेटाबोलिक कन्वर्जन तीनों ही हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन थर्टी है मेजर कॉन्सुडेंट्स ऑफ रोहनी रोहनी में मेजर कॉन्स्टेंट आपने बताना है देखिए ग्लूकोज दिया हुआ है ऑप्शन में सुक्रोज दिया हुआ है माल्टोज फ्रक्टोज़ तो इसका आंसर दिया हुआ इन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है जो रोहनी है इसमें ऑप्शन डी फ्रक्टोज हो, होता है ठीक है नेक्स्ट है आपका मोर्टेलिटी रेट अमंग एड्स पेशेंट इज़ तो एड्स पेशेंट का मोर्टलिटी रेट पूछा हुआ है फिफ्टी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट नाइन्टी परसेंट या हंड्रेड परसेंट तो इसका जो मोर्टलिटी रेट दिया हुआ है ऑप्शन इन्होंने डी राइट दिया हुआ है हंड्रेड परसेंट होता है मोर्टलिटी रेट जो है एड्स पेशेंट का क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ वूल फैट वूल फैट का इमल्सिफाइंग एजेंट आपने बताना है देखिए लैनोलिन वूल एल्कोहल पैराफिन वैक्स या मिनरल ऑयल इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन बी वूल अल्कोहल। क्वेश्चन 33 है इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मिक्सिंग प्रोसेस इंक्लूड देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट मोलिकुलर डिफ्यूजन लैमिलर मिक्सिंग या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन तो इसका आंसर अच्छा दिया हुआ इन्होंने ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ओके क्वेश्चन आपका है थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग एंथलमेंटिक इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट एमिटिन कोडिन डिजिटेलिस इज आइवर मैक्टीन ठीक है इनमें से कौन सा एंथलमेंटिक है जो क्या है नेचुरल प्रोडक्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी दिया हुआ है आइवर मैक्टीन जो होता है ये एंथलमेंटिक होता है जो क्या है नेचुरल प्रोडक्ट है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कीपिंग डिजीज फ्रिक्वेंटली विद इन टोलरेबल लिमिट्स इज स्टेटेड एज डिजीज़ कंट्रोल डिजीज सर्वेलियंस डिजीज़ प्रिवेंशन इराडिकेशन तो मतलब क्या डिजीज़ फ्रिकुंसी विद इन कंट्रोल लिमिट तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा डिजीज़ कंट्रोल बोलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आप लोगों का अमीबियासिस इन्फेक्शन अक्रिंग इन देखिए लीवर एंड इंटेस्टाइन किडनी लंग्स या अपेंडिक्स ठीक है तो अमीबियासिस जो है इन्फेक्शन है किसका ऑप्शन ए हो जाएगा लीवर एंड इंटेस्टाइन का नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्हल सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर इन डिग्री फार्न इज ठीक है तो इसका फॉर्मूला बता, बता है कि डिग्री सेल्सियस है आपको इसको डिग्री फार्न में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला लगा के आप कन्वर्ट कर देंगे बिल्कुल सिंपल है ये तो इसमें ऑप्शन uh, में हंड्रेड नाइनटी सिक्स वन सेवेंटी टू है इसका आंसर आपका आ जाएगा टू ऑप्शन डी आ जाएगा ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है इन जिंजर ऑयल टर्पिन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जो जिंजर ऑयल है इसके अंदर टर्पिन होते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिन, जिरेनियाल जिंजीबेरिन बरीन या मैं ठीक है तो जिंजर के ऑयल में टर्पिनोइड्स जो होते हैं जिंजीबेरिन है, है तो हो तो होता है जो सस्क्यू होता है ना तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या होता है सस्क्यू होता है जिंजिबरीन क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका नेचुरल लिपिड्स आर इजीली सोल्यूबल इन ऑयल वॉटर एल्कोहल या मर्करी तो नेचुरल लिपिड्स होते हैं इजीली सोल्यूबल होते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ऑयल हो जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूज़न इंजेक् इंजेक्टेड इन टू ए वेन इज ऑप्शन देखिए मोर देन फाइव टू टेन एम एल लेस देन वन टू टेन एम एल मोर देन टेन टू फिफ्टीन एम एल लेस देन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एम एल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर देन टेन टू फिफ्टीन एम एल क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया देखिए बैनजोडायाजिपिन्स इमिडाजो पायरडींस बारबच्यूरेट्स या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ठीक है इंसोमनिया के ट्रीटमेंट में ऑप्शन डी हो जाएगा सारे ही दे सकते हैं बेंजोडायाजिपिन्स बारबच्यूरेट्स और इमिडाजो पैराडींस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विच इज द ह्यूमन बॉडी कॉम्पोनेंट वे आर मैक्सीम इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड देखिए प्रोटीन स्पली स्पिली ग्लाइकोजन हीमोग्लोबिन ठीक है तो मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्पिलीन हो जाएगा ओके okay? क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन नाइट क्रीम मॉइस्चराइजिंग लोशंस फेस वॉश जेल सनस्क्रीन तो ये बिल्कुल सिंपल है टिटेनियम डाइऑक्साइड का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो ऑप्शन तो डी हो जाएगा सनस्क्रीन में यूज़ करते हैं इसको ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ ए सल्यूशन और अ सस्पेंशन बाय एडिशन ऑफ स्टिराइल वाटर और एनी डायलोव टू वे फॉर्मुलेटेड ड्रग पाउडर इज देखिए कंपाउंडिंग डिजोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन तो आंसर जो है इसका हो जाएगा

Regulation of osmotic pressure in the blood. तो ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना करती है ऑप्शन सी ही आपका राइट हो जाएगा इसमें ठीक है किडनी के फंक्शन का नेक्स्ट आपका question है अंडर किस में आती देखिए हिप्नोटिक एंटीबायोटिक सिंपल आपका ये एंटीबायोटिक होती है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ डिस्पाज फेज ऑफ इमल्शन इंटू सेपरेट क्रैकिंग इीगेशन थिकनिंग एंड डिस्पाजिंग ठीक है तो इसको ये बोलते हैं क्रैकिंग बोलते हैं ठीक है जो डिस्पर्स है इमोशन की लेयर्स से में सेपरेट हो जाएगी इसको बोलेंगे ऑप्शन ए क्रैकिंग क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज डोट्स रिप्रेजेंट देखिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नो नीड ऑफ सुपरविजन सिंगल डोज इज प्रिस्क्राइब्ड या शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ठीक है तो इसमें ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होगा ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ओके नेक्स्ट आपका है एक्टिव इम्यूनिटी इज देखिए स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेटिवली फास्ट एंड शॉर्ट लास्टिंग फास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग ए पैसिव एंड मॉडरेट एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये स्लो होती है एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन है फिफ्टी वन आपका लेविस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस टू डिस्क्राइब एसिडिटी एंड एल्कैलिनिटी रिलाई ऑन देखिए एक्सचेंज ऑफ एटम्स एक्सचेंज ऑफ प्रोटोन्स एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन नेक्स्ट है एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर है सोर्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का सोर्स पूछा है फाइबर कार्बोहाइड्रेट सेलोज और प्रोटीन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कार्डिक्लैकोसाइड डिजिटैलिस पॉपुलरली ज फोक्स ग्लोव मेंलचिकम या ई सब गोल ठीक है डिजिटाइल जो होता है कार्डिकल एक्कोसाइड्स में आता है इसको क्या बोलेंगे फोक्स ग्लोव इसका सिनोनिम होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा डिजिटाइल का सिनोनिम क्या है फोक्स ग्लो लीज भी बोलते हैं इसको नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज फॉर देखिए इन पेशेंट्स आउट पेशेंट्स बोथ इन एन आउट पेशेंट्स एमरजेंसी पेशेंट्स तो इन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन है फिफ्टी सिक्स लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू ऑप्शन डिटेक्ट द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ इंप्योरिटी क्वांटिफाई द इम्प्योरिटी डिफरेंशिएट द इंप्योरिटी और रिएक्ट विद इम्प्योरिटी ऑप्शन ए हो जो डिटेक्ट द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ इंपियोरिटी इज ओके क्वेश्चन है फिफ्टी सैवन प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज टर्म्ड एज मैनजेस पेरिकार्डियम कॉर्पस कैलोसम रिनल फेसिया आंसर इज ऑप्शन ए मैनेंजिस होती है ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डोज ऑफ सिक्स ईयर ओल्ड चाइल्ड इफ़ द अडल्ट डोज इज टू फिफ्टी एम जी यंग फॉर्मूला अप्लाई करना है यंग फॉमूला आपको पता है एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस ट्वेल्व इनटू अडल्ट डोज आपका होता है ओके okay? तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है ये एटी थ्री पॉइंट थ्री इस टाइप से आएगा तो आपने आंसर करना था ऑप्शन बी एटी फाइव एम जी क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग आर एंटीडोट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एनास्थेटिक तो ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा एंटीडोट्स होते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ फार्मासुटिकल पैकेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू केमिकल सेफ्टी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बैरियर प्रोटेक्शन और फिजिकल प्रोटेक्शन आंसर है ऑप्शन ये केमिकल सेफ्टी क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट ट्रू अबाउट एस्टाइल सैलिसलिक एसिड एस्प्रिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है देखिए एस्प्रिन हैज़ अनालजेसिक एंटी पायराटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज एस्प्रिन कैन कोज गैस्ट्रिक अल्सरेशन जी आई गैस्ट्रो इंटेस्टनल ब्लीडिंग एस्प्रिन इंक्रीज प्लेट इन ब्लड रिलीफ इन तो नोट कौन सा? सही नहीं है तो इसका हो जाएगा ये देखिए ऑप्शन जो है सी दिया हुआ यह सही नहीं है एंटी प्लेटले, प्लेटलेट ड्रग में आती है ओके तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स एन ओरल सोलिड डोज कैन बी गिवन इन ट्वेंटी फोर आवर टाइम ठीक है थ्री टू फोर वन टू थ्री फाइव टू सिक्स टू टू फोर तो इसका इसमें आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए थ्री टू फोर क्वेश्चन नेक्स्ट है द हिटिरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सल्फा डायाजीन सल्फा डायाजीन में कौन सा हीटिरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है पायरिडीन पायरी पिरीनिडीन पिपरीडीन ऑक्साजोल ठीक है तो इसके अंदर दिया हुआ है सल्फा डायाजीन के अंदर ऑप्शन सी दिया हुआ है पाइप्रिडीन रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर ठीक है कौन सा न्यूक्लियस इसमें ये दिया हुआ है ऑप्शन सी दिया हुआ है पाइप्रीडीन नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द टिश्यू कनेक्टिंग मसल्स टू बोन मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं टेंडन कार्टिलेज वाइट फाइबर लिगामेंट या इसका दिया हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूट तो आंसर इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन जो है सी लिगामेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोर्टिंग मैम्ब्रेन दैट रेगुलेट्स द टेम्परेचर एंड मोशन ऑफ द एयर कमिंग इन थ्रो द रेस्परेटरी ट्रैक्टिस नेजल मैम्ब्रेन म्यूकस मैमब्रेन नेजोफेरिंजल एलवोली आंसर है इसका ऑप्शन इन्होंने बी म्यूकस मैमब्रेन ओके दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटांस पंचिंग मशीन बोल मिल शुगर मिल लाइफिलाइजर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा Uh, ये क्या हो जाएगा बॉल मिल टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन यूज फॉर साइज़ रिडक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस ओके बॉल मिल क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है पी एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लोग ऑफ सोल्ट बाय बेस इक्वेशन सिंडिकेट बेसिक बफर एसिडिक बफर बोथ बेसिक एंड एसिडिक या न्यूट्रल बफर तो ये पी एच इज इक्वल टू पी के बी है ना तो ये बेसिक बफर के लिए हो जाएगा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट यूज इन शैम्पूज देखिए अनायनिक कटायनिक नॉन आयोनिक एम्फोलिटिक तो इसमें होते हैं जो सर्फेक्टेंट है शैम्पू में अनायनिक होएगा ओके क्वेश्चन okay? नेक्स्ट है द लोकेशन वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब इनटू द ह्यूमन बॉडी स्टमक लीवर स्मॉल इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन आंसर इज ऑप्शन जो है सी हो जाएगा स्मॉल इंटस्टाइन क्वेश्चन नेक्स्ट ड्यूरिंग द सेल डिविजन डैश इज प्रोड्यूस्ड व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या बैक्टीरियो फेजिज तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ओके डी एन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हार्ब इज नोन एज सोलवेंट एक्सट्रैक्शन स्टीम डिस्टिलेशन एक्सप्रेशन इन फ्लो इन फ्लोरिसेंस आंसर हो जाएगा आपका स्टीम डिस्टिलेशन ओके क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है एज पर इंडियन फार्माकोपिया ए टेबलेट शुड नॉट बी राउंड शेप फ्लैग शेप फ्लैट शेप बाई कॉन्वैक्स स्फेरिकल स्टार शेप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका स्टार शेप जैसे एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग में कौन सा एलिमेंट है मतलब कौन सा विटामिन हेल्प करता है तो क्लोटिंग के लिए आप कौन सा विटामिन पढ़ते हैं ऑप्शन देखिए विटामिन ए विटामिन के विटामिन डी या विटामिन ई e. तो ब्लड क्लोटिंग के लिए आपका होता है विटामिन के होता है जो क्लोटिंग में हेल्प करता है दो सात नौ दस क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाता है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन आई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लैडर या ऑल तो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस क्वेश्चन नेक्स्ट है द चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट ग्लिसरीन सोडियम सैक्रिन सुक्रोज ए कैंडी शुगर आंसर इसका हो जाएगा प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट टूथपेस्ट में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम सेकरीन नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय देखिए प्रेशर फिलिंग कोल्ड फिलिंग बोथ कोल्ड एंड प्रेशर फिलिंग एंड नॉन तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेशर फिलिंग और कोल्ड फिलिंग दोनों यूज़ करते हैं ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है फ्रेश एंड ड्राई लीव्स ऑफ तुलसी आर ऑब्टेन फ्रॉम द तुलसी का सोर्स सिंपल पूछा है ओसिमम सैक्टम हम लोग पढ़ते हैं लेबिएटी फैमिली होती है तो ऑप्शन देखिए कॉमिफोरम मुकुल ओसिमम सेंकटम कोलचिका मोटिमनेल सेंटलम एल्बम तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओसिमम सेंकटम सोर्स होता है लेबियटी फैमिली होती है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू नेचुरल एंड हर्बल ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइजड एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल आंसर इज ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजड एंड अनऑर्गेनाइजड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एल्कोहल फ्यूरान तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है ऑप्शन

ल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ़ यूजर्स इसका दिया हुआ है ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर नेक्स्ट एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्मेंस द फॉलोइंग एक्शन इसका आंसर दिया हुआ है इसमें ऑप्शन डी दो डज बोथ कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपेरिजन्स ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंडिया क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा नहीं है इसका दिया हुआ you know, है इन्होंने ऑप्शन बी दिया हुआ है पाली नेक्स्ट है इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ इसका दे ऑप्शन बी नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स नहीं सर विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क तो इसका दिया हुआ है कंट्रोल ओके नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन यू पुट इन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इसको क्या बोलेंगे ऑप्शन सी दिया हुआ डाटा नहीं रिवर विच इज़ यूज फॉर वोर इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया इज ऑप्शन ए है गंगा नेक्स्ट बिहू इज़ द फेस्टिवल दैट इज ऑब्जर्व

ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फोक डांस ऑफ राजस्थान राजस्थान का घूमर बहुत फेमस है ऑप्शन सी घूमर ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट तो इसका ऑप्शन रजिस्ट, सी रजिस्टर्स है नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय कंप्यूटर हैपन इन ऑन द ऑप्शन जो है इसका सी देअ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ऑप्शन सी ग्रेटर हिमालय इज अदरवाइज कोल्ड एज तो इसको क्या बोलते हैं हिमाद्री ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तो ये है ऑप्शन जो है सी आपका गुजरात हो जाएगा इसका ओनली परेनिया लिवर रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इस तो इसका दिया ऑप्शन बी कावेरी ठीक है तो ये थे आपके ट्वेंटी क्वेश्चन से जो जन, जनरल जन, थे ओके तो ये इसमें हमने देख ली हैं हंड्रेड क्वेश्चनस तो इसमें आ, देख लीजिएगा जो क्वेश्चंस डाउट वाले हैं अभी मैंने तो इस वीडियो में बताया नहीं इसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं ठीक है ठीके? तो वो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना फिर उनको देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं ठीक है ठीके? इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ओके थैंक यू